केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लोगों के पारंपरिक कौशल के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का कर्ज मुहैया कराया जाएगा। विश्वकर्मा योजना में कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, उनमें सुधार और घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर लोगों की इन उत्पादों तक पहुंच के दायरे को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने हमारे आईटी पेशेवरों के स्किल के स्तर में सुधार किया है। 5 लाख से अधिक आईटी पेशेवर के कौशल में सुधार किया गया है। उमंग प्लेटफॉर्म पर सरकार की 1700 सेवाएँ उपलब्ध हैं, अब इसमें 540 सेवाएँ और जोड़ी जा रही हैं। तीस लाख व्यक्तियों को, 30 लाख परिवारों को इसमें सपोर्ट मिलेगा। 30 लाख फैमिलीज विल बी सपोर्टेड अंडर विश्वकर्मा योजना। एक परिवार से एक व्यक्ति को यह सपोर्ट मिलेगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही एक सिंपल तरीके से किया जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उन कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए से रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद में एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था में आइडेंटिफिकेशन होगा, पहले पंचायत या फिर लोकल बॉडी स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे और फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे फाइनल सिलेक्शन होके। इसमें राज्य सरकारों का बहुत सहयोग लगेगा, राज्य सरकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, लेकिन इसकी जितनी भी फंडिंग है वो सारी की सारी फंडिंग केंद्र सरकार की तरफ से रहेगी।